नोटबंदी के फैसले के बाद से पूरा देश कतार में खड़ा है। आज 10वें दिन भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। नए नोट पाने की मारामारी के बीच सरकार ने अब जनता को राहत देने के लिए एक और कदम उठाया है। अब कुछ पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप के जरिए रोजाना 2000 रुपए तक की नकदी निकाली जा सकेगी। यह सुविधा देश के 2500 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी। सूत्रों के मुताबिक ये व्यवस्था अगले कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि ये निर्णय पब्लिक सेक्टर तेल कंपनियों के अधिकारियों और SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य की बैठक के बाद लिया गया। RBI और SBI की ये संयुक्त मुहिम है और जहां SBI की POS मशीनें हैं वहीं ये सुविधा मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां SBI और अन्य बैंकों से भी बातचीत कर रही हैं और इस नई व्यवस्था को धीरे धीरे 20,000 पेट्रोल पंप तक पहुंचाना चाहती है। आपको बता दें कि 24 नवंबर तक सभी पेट्रोल पंप 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करेंगे। वहीं एक नोटबंदी के फैसले के बाद बीते 8 दिनों में बैंकों के पास अब तक 4,00,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आ चुका है। ये इतनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 30 दिसंबर तक 10,00,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट बैंकों में आने की बात कही थी। तो RBI और SBI ये मुहिम चला रही है ताकि कतार में खड़े लोगों को कुछ राहत मिल सके, उनकी परेशानियां कम हो सके। आपको बता दें कि आज से बैंकों से रुपए एक्सचेंज करने की सीमा भी घटा दी गई है। अब बैंकों से आप 2000 रुपए बदलवा सकेंगे जबकि पहले आप 4500 रुपए के नोट बदलवा सकते थे। देखते रहिए DB Life।